हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है मटेरास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ झालावाड़ में इनॉग्रेटेड हुए एक नए होम्योपैथी क्लिनिक के बारे में, और इस क्लिनिक का नाम है अग्रवाल होम्यो क्लिनिक, और यहाँ पर है डॉक्टर अर्पित अग्रवाल, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, और ये सारी जो डिजीजेस में डील करते हैं। उनके मोबाइल नंबर हैं और ये है मिलने का समय। तो दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि झालावाड़ शहर में जेल रोड पर एक और होम्योपैथिक क्लिनिक और होम्योपैथिक डॉक्टर अर्पित अग्रवाल, उनका ये क्लिनिक है, उसका आज उद्घाटन हुआ है। तो ये है डॉक्टर अर्पित अग्रवाल, जिन्होंने आज झालावाड़ में अग्रवाल होम्यो क्लिनिक नाम से क्लिनिक का उद्घाटन किया है, और बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए, सभी के लिए, कि झालावाड़ में एक और होम्योपैथिक डॉक्टर भी हुए हैं और सभी के लिए सुविधा भी हुई है। डॉक्टर साहब से कुछ बात करना चाहता हूँ, उनके कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो अर्पित सर, आप बताएं कि होम्योपैथिक जो करियर है, इसमें इसको आपने कैसे चुना? मैंने भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैंने 2 साल ड्रॉप भी दिया, पर उसके बाद भी पीएमटी में नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने किसी ने सजेस्ट करा, और हमारे दादा दादी भी लेते थे होम्योपैथी, तो मेरे को लगा कि ये करनी चाहिए। तो पहले साल तो मेरे यार नहीं था, मतलब मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पर जब मेरा खुद का अस्थमा ठीक हुआ उसके बाद मुझे इस पर विश्वास रहा हुआ धीरे धीरे, और फिर मैंने खुद ने जब पेशेंट सही करे, धीरे धीरे पेशेंट सही हुए, लोगों को ठीक होते हुए देखा कि ये जरा सी मिट्टी गोलियाँ इतना कमाल करती है, कि अगर हम देखें कि अस्थमा में लोग इतने पंप वगैरह लेते हैं, और अपने उससे अच्छा है कि मिट्टी गोलियाँ लें, क्योंकि वो जो होते हैं वो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी बीमारी को सप्रेस करेंगे। तो ये जो बीमारी है, और लोग ये चीज़ जानते भी कि होम्योपैथी जो होती है वो जड़ से निकलती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, और ऐसा भी नहीं कि हमेशा टाइम लग रहा हो, अगर आपकी दवाई सही हो, सटीक हो, और आपका डॉक्टर सही हो, तो आपकी बीमारी भी जल्दी सही होती है। अस्थमा मेरे को बचपन से था, और मुझे इतना टाइम नहीं लगा उसको ठीक होने में, बहुत 1 या 2 महीने मैंने दवाई कंटिन्यू ली, उसके बाद मेरी बीमारी जो कि बचपन से थी वो एकदम सही हो गई। उसके बाद मुझे कभी भी अस्थमा अटैक्स नहीं आए, हल्का सा सर्दी में रहता है और नॉर्मल में दवाई लेता हूँ, उससे ठीक हो जाता हूँ। बाकी मेरे खुद के भी पेशेंट्स हैं काफ़ी सारे, राइनाइटिस के, अस्थमा के, उसके अलावा काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं मोटापे के, और महावारी के, अनियमित महावारी जो होती है फीमेल्स में, इसका काफ़ी अच्छा इलाज है। मेंसेस के टाइम पर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना, इन सब का काफ़ी अच्छा इलाज है। इवन एलोपेशिया एरियाटा, ये सब बीमारियां बहुत अच्छी तरह से होम्योपैथी सही करती है। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हेयर ट्रीटमेंट और स्किन ट्रीटमेंट में होम्योपैथी किस तरह से लाभकारी है, किस तरह से लाभ करती है? होम्योपैथी जो होती है, स्किन की जो बीमारी होती है वो मेनली हम ये मानते हैं कि स्किन की बीमारी जो है वो एकदम अपर लेयर है। अगर वो बीमारी में आपने होम्योपैथी फर्स्ट ले ली तो आपकी वो बीमारी हमेशा के लिए सही हो जाएगी। पर जैसा कि आप एलोपैथी में लेते हैं, आप एक बार आप ट्यूब लगा लेते हैं या फिर आप एक स्टेरॉइड ले लेते हैं, तो स्टेरॉइड बेसिकली क्या करते हैं, वो आपकी जो तब बीमारी जाग रही है, मतलब तब बीमारी जो आपकी अपर लेयर पे आ रही है, उसको वो एक टाइम के लिए दबा देगी। उसके बाद जब आप वो दवाई छोड़ोगे, आप वो स्टेरॉइड लेना छोड़ोगे, वो वापस आ जाएगी। तो इस तरह से होम्योपैथी इसमें असरकारी होती है। और एक बात ये भी है कि स्टेरॉइड अगर आप लेते हो तो वो बीमारी किसी और रूप ले लेती है दब के, ठीक है, वो किसी और पार्ट में जाती है, वो अस्थमा कॉज कर सकती है, वो कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकती है। स्टेरॉइड लेने से हार्मफुल इफेक्ट्स ये भी होते हैं कि बाल झड़ते हैं लोगों के, ठीक है, और बाल झड़ने के लिए भी इसकी अच्छी दवाइयाँ हैं हमारे पास, जैसे कि हम बालों का झड़ना रोक सकते हैं, नए बाल भी आ जाते हैं कुछ पेशेंट्स के, हम ये गारंटी नहीं दे पाते कि आपके वापस से आप जैसे गंजे हो तो आपके पूरा एकदम बढ़िया बाल आ जाएंगे, ये मतलब ऐसा हो गया कि पेशेंट को आप गलत उसमें रख रहे हो, ठीक है, गलत विश्वास में रख रहे हो, अंधविश्वास में रख रहे हो,
ये अगर कोई कहता है तो ऐसा नहीं होता, बाल झड़ना रुक तो जाते हैं और नए बाल आने की कोशिश होती है, मतलब नए बाल आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। पर एक पहली चीज़ ये होगी बाल झड़ने में कि बाल झड़ना रुकना ज़रूरी है, और मेन कॉज होता है डैंड्रफ का होना। तो सबसे पहले आपका डैंड्रफ ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे आपका बाल झड़ना बंद होगा, उसके बाद आपका नए बाल आना चालू होगा। जी धन्यवाद सर। तो डॉक्टर अर्पित अग्रवाल सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट है, ये एलोपैथी से या और दूसरे तरीके के जो ट्रीटमेंट होते हैं उससे कैसे डिफरेंट है, और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं बच्चों में, बड़ों में या अन्य किसी उम्र के लोगों में, आप बताइए। बात ये है कि जो एलोपैथी हो गई या कोई सी भी पैथी हो गई, उसमें क्या होता है कि आप मटेरियल आप क्या कर रहे हैं कि आपने हर्बल ली, आपने कोई भी सब्सटेंस लिया और उसे केमिकल यूज पे या फिर कैसे भी उसको बना दिया, ठीक है। होम्योपैथी में क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट जो होता है, हर एक मेडिसिन जो होती है, जो भी आप जहाँ से भी ले रहे हैं, आप किसी प्लांट से ले रहे हैं, आप किसी पौधे से ले रहे हैं, किसी चीज़ से भी ले रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा पोटेंटाइज किया जाता है, उसको कई भागों में तोड़ा जाता है। तो वो क्या होता है, उसको इतने भागों में तोड़ने की वजह से उस मेडिसिन की पावर बढ़ जाती है। तो अगर आपका सजेशन सही है, आपकी दवाई आपने जो सेलेक्ट करी है वो सही है, तो दवाई सटीक तरीके से काम करती है और पेशेंट जल्दी ठीक होता है। और बात करें साइड इफेक्ट की, तो होम्योपैथी में साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि आपकी दवाई गलत है तो होम्योपैथी की दवाई काम नहीं करेगी या फिर धीरे करेगी, और अगर आपकी दवाई सही है तो वो जल्दी काम करेगी थोड़ा। और ऐसा भी नहीं होता कि अगर कोई जल्दी आराम दे रहा है ना तो आपकी दवाई सही नहीं हो सकती, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अगर सही तरह से, तो बॉडी को भी तो टाइम चाहिए ना अगर उसको सही होना है, तो ऐसा तो है नहीं। जब बीमारी जो है वो 10 साल ले रही है बढ़ने में, तो बीमारी जाने में भी तो टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ऐसा नहीं कि काफ़ी लंबा था जिंदगी आपको होम्योपैथी लेनी पड़ेगी, अगर आपकी दवाई सही है तो आप कुछ महीनों में कुछ दिनों में सही हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है लोगों का कि होम्योपैथी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, बहुत लंबा टाइम लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्दी जुकाम एक दो दिन में कोई भी छोटा मोटा फ्लू हो गया, इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। छोटा मोटा कोई भी इलाज हो गया उसका एक परमानेंट इलाज है, ना कि उसका एक सप्रेशन है कि आप सप्रेस कर रहे हो और कोई और बीमारी पैदा कर रहे हो। थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये है डॉक्टर अर्पित अग्रवाल जिनसे आज मेरी मुलाकात हुई, और आज मैं इनॉग्रेशन पे भी आया था। काफ़ी अच्छा क्लिनिक इन्होंने बनाया है, ये BHMS है जयपुर से, और एक्सपीरियंस भी इनको अच्छा खासा है। अभी इन्होंने आपके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, तो झालावाड़ के झालरापाटन की आसपास के जितने भी लोग हैं, मैं चाहूँगा कि वो सब एक बार ज़रूर क्लिनिक पर आएं, डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा करें और होम्योपैथी की तरफ जाएं। इन्हीं के साथ मैं डॉक्टर साहब को अलविदा कहता हूँ अपनी बेस्ट विशेस के साथ। सो कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर अर्पित अग्रवाल, सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर, अलविदा।